मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में अपन ये वाली डिज़ाइन बनाने वाले हैं, जो एलिफेंट का डिज़ाइन बनाया हुआ है बीच में। इसको प्रॉपर अपन को कैसे बनाना है वो अपन सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करूँगी, वैसे उसमें आपको कोई मिस्टेक नहीं लगेगी। इसके एंड में मैं आपको बताऊँगी कि मुझे ये बनाने में क्या मिस्टेक आई और मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मैं फटाफट ये डिज़ाइन क्रिएट करती हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए। इसमें आपको जो भी मिस्टेक लगती है, जो भी आपको नहीं समझ आता है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर समझ में आएगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये डिज़ाइन आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं। ये डिज़ाइन मोस्टली भरमा डिज़ाइन में लगी जाती है। जो इसकी डिमांड करते हैं उनको भरमा डिज़ाइन पसंद होती है, तो वो इस डिज़ाइन की डिमांड करते हैं। इसमें आप ये डिज़ाइन बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा आप ये डिज़ाइन ब्राइडल मेहंदी में भी यूज़ कर सकते हैं। ब्राइडल मेहंदी लगाते वक्त आप इसे पीछे की तरफ इसे आप आसानी से लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी लगती है ब्राइडल मेहंदी में, ये डिज़ाइन काफ़ी यूनिक लगती है, तो इस डिज़ाइन को आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। इस वाले पैटर्न में मैं जो भी डिज़ाइन यूज़ कर रही हूँ वो मैं पहले आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। इसमें मैंने जो डिज़ाइन है एलिफेंट का भी यूज़ किया है, वो भी मैंने आपको पर्टिकुलर हर एक डिज़ाइन मैंने आपको अलग अलग बनाना सिखाया है। तो आई होप आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होगी, अगर देखी है तो आपको ये डिज़ाइन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगर नहीं देखी हो तो पहले वो डिज़ाइन देखिए और फिर इस डिज़ाइन की प्रैक्टिस करें, आप ये आसानी से बना पाएंगे। मेहंदी की डिज़ाइन बनाने के लिए सिर्फ अपन को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप कोई भी डिज़ाइन हो, आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो वो डिज़ाइन बहुत ही अच्छी बनती है। तो डिज़ाइन की प्रैक्टिस आपको करनी रहती है। इसके अलावा मेहंदी में परफेक्शन भी प्रैक्टिस से ही आता है। अगर आपको इसमें बहुत आगे जाना है तो प्रैक्टिस आपको करती रहनी है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। इसके अलावा डिज़ाइनें दिखने में बहुत ही टिपिकल लगती है पर बनने में बहुत ही इजी होती है। जैसे ये वाली डिज़ाइन, ये दिखने में बहुत ही टफ डिज़ाइन दिख रही थी पर ये बनाने में बहुत ही इजी है। मैंने इसमें हर एक पार्ट जो आपको अलग अलग सिखाया है उसको अपन अब मर्ज कर देंगे, उसको अपन एक साथ बनाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा बनेगा और कुछ अच्छा सा डिज़ाइन उभर के आ जाएगा। एलिफेंट का डिज़ाइन आपने सब ने काफ़ी बार मेरे इसमें देखा है, अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो देखना, उसमें मैंने एलिफेंट बहुत ही क्लियर तरीके से बनाना सिखाए हैं। सेम एलिफेंट अपन यहाँ पे बनाएंगे और साइड का डिज़ाइन भी मैंने आपको बनाना सिखाया है, उसे कैसे बनाना है वो भी मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाया है। तो इन दोनों डिज़ाइन को अपन एक करके एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बन जाएगा, जो अपन ने फर्स्ट में देखा था। मैंने जैसा आपको बताया था फ़ोन में कि अपन ये वाला डिज़ाइन बना रहे हैं, सेम वो डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब मैं जैसे डिज़ाइन बना रही हूँ आप सेम वैसे वैसे उसे बनाते जाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसे देखते जाइए और बनाते जाइए।
फाइनली ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बना है, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने बनाया है। मैंने आपको जैसा बोला था मैं बीच का डिज़ाइन कॉपी करने वाली हूँ, मैं सेम वैसा ही डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, तो सेम मैंने वही किया है, मैंने वैसा ही डिज़ाइन बनाया है। बस मैंने फिंगर्स का डिज़ाइन और स्टार्टअप का डिज़ाइन चेंज किया है, क्योंकि मुझे बहुत छोटा सा डिज़ाइन बनाना था, मेरे को बहुत बड़ा नहीं बनाना था। मैंने ऊपर जैसा डिज़ाइन बनाया है स्टार्टअप पे, उस हिसाब से मैंने फिंगर के डिज़ाइन चेंज किए हैं। मैंने ऊपर की तरफ जैसा डिज़ाइन बनाया है वैसे मैंने फिंगर का डिज़ाइन लिया है। साइड का और बीच का डिज़ाइन मैंने बिल्कुल सेम रखा है जैसा उसमें था, डॉट लगा के अपन को राइट और लेफ्ट साइड खींचना है, उससे ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। सेम अपन को वही तरीका हर जगह पे करना है। मुझे ये बनाने के प्रैक्टिस है इसलिए मैंने डायरेक्ट बना दिए हैं। ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आप जैसा इधर मैंने किया है सेम दूसरी साइड भी आप वैसा ही करेंगे, बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन बन के आ जाएगा। ऐसी और खूबसूरत सी डिज़ाइन देखने के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऐसी ही लेटेस्ट मेहंदी की डिज़ाइन सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस डिज़ाइन को बनाने में मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं आई। एलिफेंट का डिज़ाइन अगर आपको अच्छे से बनाना आएगा तो आप ये डिज़ाइन बहुत अच्छे से बना पाएंगे। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, आपको भी ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगेगा।